नमस्कार साथियों, एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड अपडेट में चर्चा, फ्रेंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो पूरी कंप्लीट करने की बहुत तेजी के साथ कार्य उच्चतर शिक्षा आयोग कर रहा है। सहायक अध्यापक भर्ती में 5256 पद हैं, वहीं प्रवक्ता के 2215, कनिष्ठ लिपिक के जो हैं वो पेट की परसेंटाइल के आधार कितने होने चाहिए, और साक्षात्कार इसमें नहीं है, सॉरी साक्षात्कार है इसमें, जबकि समूह की भर्तियों में साक्षात्कार जो है नहीं, तो लिपिक की भर्ती में भी साक्षात्कार क्यों, तो इन सभी पे चर्चा करेंगे फ्रेंड इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में जो लिपिक के हैं ये पूरा कार्यक्रम दिया गया है, कब से कब तक होगा, इन कार्यक्रमों को आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे जो दिया गया है लास्ट में 16/1/2023 तक जो है ये नियुक्ति पत्र निर्गत करने का है, मतलब एक्सटेंड की गई डेट, पहले ये दिसंबर थी, अब ये जनवरी 2023 तक गई है। इसमें जो है फ्रेंड सबसे अधिक चीज़ें ये है कि जो उसमें 20 अंक का साक्षात्कार 11 नंबर पे देखिए, तो चयन समिति करेगी ये साक्षात्कार। अब ये साक्षात्कार का मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि इस भर्ती में साक्षात्कार होने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि 20 अंक का मतलब समझ रहे हैं ना, 20 अंक का बहुत होता है। अब उसके बाद मेरिट जो बनाई जाएगी वो तो ठीक है कि पीईटी के परसेंटाइल स्कोर, जो परसेंटाइल स्कोर आपको बता दें फ्रेंड, इसमें आपका परसेंटाइल स्कोर 50 अगर है तो आप एलिजिबल हैं, तो परसेंटाइल स्कोर तो मैक्सिमम बढ़ चुका हो जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रण दिया जाएगा। अब ये साक्षात्कार में 3 गुना जो आएंगे वो 20 अंक का माने बहुत रखेगा, पूरी भर्ती प्रक्रिया को ये प्रभावित करेगा 20 अंक। साथ ही साथ जो है इसमें फ्रेंड जो है ये कहा जा रहा है कि प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जाएगी 24 तारीख को। तो कुल मिला के जो फ्रेंड ये भर्ती जो आई है लिपिक की, इसमें अप्लाई करने ना करने को लेकर आप इसको स्वतः जो है पूरा डिटेल्स अध्ययन करके ही अप्लाई करें, क्योंकि इसमें 20 अंक के साक्षात्कार को हमें तो नहीं समझ में आ रही इसको रखने की क्या ज़रूरत है, और सारी चीज़ें इसको आप एक बार देख लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पूरा देख लें कब से क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। शिक्षा निदेशक एमपी सिंह के मुताबिक रिक्त पदों के सापेक्ष 5256 पद के लिए जो अध्याचन जिलों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रवक्ता के 9463 पद स्वीकृत, जिसमें से इतने पे नियुक्ति हुई है, राजकीय इंटर कॉलेजों में पद इतने रिक्त हैं, तो कुल रिक्त पदों की बात यहां की जाए तो 5129 है। वहीं प्रवक्ता संवर्ग में 2215 पद जो अध्याचन निदेशालय को प्राप्त हुआ है, अब ये लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। अब इसमें जो है लोक सेवा आयोग को लेट लतीफी नहीं करेगा, अभी जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएंगे, थोड़ा सा जो विषयों का है, कुछ विषयों का जो है अभी थोड़ा सा संशोधन है, बाकी का हो चुका है। तो ये जो रिक्तियां हैं 5129 और 2215 है, ये पदों की नियुक्तियों जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जो है जहाँ तक लास्ट तक कर दे, या अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक जो है ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर। और फ्रेंड अगली खबर की तरफ चलते हैं। जो है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जो विज्ञापन संख्या 51 थी, और इसके तहत जो 981 पदों पर भर्ती की तैयारी जो तेज किया गया, और इसमें काफ़ी लेट नाइट तक कार्य हुआ, प्राथमिकता जो इस भर्ती को जो है जल्द से जल्द पूरी करने की है, क्योंकि काफ़ी दिन से ये पेंडिंग में चल रहा है, तो इसको जो है जल्द ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की 981 पदों की भर्ती को जो है कम्प्लीट कर लिया जाएगा। ये लेटर इशू हुआ था प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के संबंध में, तो इसमें जो है कुछ कहा जाए तो जो फ्रेश भर्तियां इसमें कितनी होंगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि चयन प्रक्रिया का निर्धारण जो किया गया उस निर्धारण में जो सब कुछ तो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए 20 अंक का जो साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार जो है जबकि समूह की भर्तियों में साक्षात्कार तो नहीं रखा गया है, फिर भी जो लिपिक श्रेणी में जो चयन प्रक्रियाओं के लिए जो है 20 अंक का साक्षात्कार रखने का क्या औचित्य है, तो ये चीज़ें जो है देखिए सरकार इसमें क्या करती है। वैसे है तो है, तदनुपात संशोधित समय सारणी का निर्धारित प्रक्रम के अर्थ यहाँ पर प्रेषित किया गया है कि 25 नवंबर 2021, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि आज से ही ये फार्म शुरू हो गया है और अपने मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से जो उपलब्ध कराए जाने के हैं। तो फ्रेंड ये है आज की अपडेट और शार्ट अपडेट है, जो कि विद्यार्थी को बस इतना ही जानना जरूरी होता है जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नई अपडेट के साथ। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।